वेलकम इन ममता की इस थाले का। आज हम अपनी रसोई में, अपनी किचन में एक बहुत ही राजस्थान की विशेष डिश बनाएंगे। आपने मेरे गट्टे देखे, ये भी जैसे गट्टे बहुत प्रसिद्ध है वहां की, उसी तरह से ये पिटौर की सब्जी राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी है और हर घर में बनती है और हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। और एक विशेष बात और बताती हूँ आपको, ये सब्जी जिसे पनीर खाना बहुत पसंद होता है उसके लिए भी ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल यदि आपके पास घर में कोई सब्जी नहीं है या कोई हरी सब्जी नहीं है और जल्दी से आपको कोई सब्जी बनानी है तो आप ये सब्जी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से कहूंगी, जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नए फ्रेंड्स हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पिटौर की, राजस्थान की बिल्कुल ट्रेडिशनल पिटौर। यदि आप मेरे तरीके से बनाएंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो फ्रेंड्स आपके पिटौर ना तो हार्ड होंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। पर पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं। और पूरे नाप के साथ, मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। देखिए, मैंने ये सबसे पहले पिटौर बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले ये आधा कप बेसन लिया है। ये मेरे कप्स का मेजरमेंट है, तो ये मैंने आधा कप बेसन लिया और इसे छान लिया है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये देखिए मैं इसमें ये आधा कप बेसन ले लेती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून का भी हाफ मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ और ये मैं इसमें हाफ टी स्पून की हाफ हल्दी डाल रही हूँ और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें सौंफ धनिए का पाउडर डाल रही हूँ और ये मैं रेड चिली डाल रही हूँ, लाल मिर्च डाल रही हूँ और ये मेरे पास एक छोटी सी ग्रीन मिर्च है, चिली है, उसको मैंने डाल दिया। अब ये मैं आपकी, ये जो मेरी विशेष इंग्रेडिएंट है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मैं अपने जीरे को रोस्ट करके और क्रश करके रखती हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा जीरा ले रही हूँ टेस्ट के लिए, भुना हुआ जीरा। अब मैं आपको एक और विशेष बात बताने जा रही हूँ, जो बेसन की सब्जी होती है उसमें अजवाइन का जरूर यूज करना चाहिए। एक तो गैस नहीं बनती है, दूसरा डाइजेशन में बहुत अच्छी होती है। इसको ऐसे रगड़ के ये डाल दीजिए। चलिए मिक्स करती हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट। देखिए, पिटौर की जो सब्जी होती है वो दो तरीके से बनती है, ड्राई भी बनती है और तली वाली, ग्रेवी वाली भी बनती है। आज हम ग्रेवी वाली बनाएंगे और इसमें देखिए मैंने आधा कप बेसन लिया था, तो अब मेरे को क्या करना है, देखिए मैंने बहुत अच्छे से ड्राई मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये 1 कप मेरे पास वाटर है और ये मेरे पास 1/4 कप वाटर है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे डाल के इसे मिक्स करना है, इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए ऐसे मिक्स करती हूँ मैं धीरे धीरे। ये देखिए मैंने 1/4 कप पूरा पानी डाल लिया था और ये 1 कप में देखिए जरा सा बचा है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते करते इसे डालेंगे। इससे पिटौर बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे यदि आप प्रॉपर मेजरमेंट से बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये आधा कप बेसन में 1 कप और ये 1/4 कप वाटर डाल दिया। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पैन लिया है और इसमें जरा सा बिल्कुल 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला। अब इसमें हम ये जीरा डालेंगे, ये क्रैकल हो गया जीरा। अब देखिए ये जो मैंने घोल तैयार करके रखा है, अब मैं इसमें ये धीरे धीरे घोल डालती हूँ। ये देखिए जैसे कढ़ी में होता है मैंने बताया, उसी तरह से बस एक ध्यान रखना है कि आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ, मेरा एक हाथ चलता जा रहा है। ये देखिए और इसको, ये देखिए, और अब हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ पूरा और इसको अब चलाते जाएंगे ऐसे। अब मीडियम गैस रखेंगे। ये देखिए इसे आप ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, लम्स नहीं बनने चाहिए, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये देखिए ये मेरी चलाते चलाते इतनी थिक हो गई है। अब इसे आप ज़्यादा भी थिक नहीं करेंगे, ये इतनी ही रखेंगे, नहीं तो पिटौर आपके हार्ड भी हो सकते हैं। तो बस इसको देखिए मैंने थाली ले ली है और इसमें मेरे को ऑयल भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, बस इस पे इसे जमाती हूँ मैं। ये
ये देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे ये मैंने प्लेट में एकदम निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, ये स्पून के पीछे ऑयल लगाना है और ये ऐसे करके इसे चिकना कर देना है। ये देखिए, और इसे हम बिल्कुल ठंडा करने के लिए ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इसे देखिए, मैं 15 से 20 मिनट जमने के लिए छोड़ देती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पे। देखिए कि जिसमें हमने पितौड़ बनाया है उसको हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे बॉईल करके अब अच्छे से इसे निकाल लूँगी। हम इसे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। ये देखिए, बस इसे मैं निकाल लेती हूँ गर्म करके। अब देखिए, हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी मैं, क्योंकि पितौड़ की सब्ज़ी जो ट्रेडिशनल बनती है वो देसी घी में बनती है, तो मैं देसी घी ले रही हूँ 1 टीस्पून। आप इसे यदि ऑयल में पसंद करते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने घर का जमा हुआ दही लिया है जो कि बीट कर लिया है अच्छे से, और ये मैंने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं और इसको हरी मिर्च के साथ और जरा छोटा सा पिंच अदरक के साथ मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी इसमें मिर्च डालेंगे और ये सौंफ धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, मेरा देसी घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये देखिए जीरा डाल दिया, जीरा अच्छे से क्रैकर होने देंगे। ये देखिए, इसमें अब हम हींग डालेंगे ज़रा सी। और अब हमारे पास जो मसाले बचे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं हल्दी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद में ये लाल मिर्च डाल रही हूँ और ये मैं सौंफ धनिया का पाउडर डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से अब इसे मिक्स करती हूँ। देखिए, मिक्स करा और इसके बाद अब मैं इसमें देखिए टमाटर डाल दूँगी और इसे अच्छे से। ये देखिए, देसी घी मेरा बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसा मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप ये मसाला बहुत अच्छा भूनिए ताकि ये घी बिल्कुल अलग हो जाए। देखिए, अब देख रहे हैं बबल्स, देख रहे हैं मेरा देसी घी बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले से। अब मैं गैस बंद कर दूँगी। ये देखिए, मैंने गैस बंद कर दिया और गैस बंद करके अब मैं इसमें धीरे धीरे ये जो मैंने फेंट के रखा है ये मैं दही डालूँगी, क्योंकि ये फट ना जाए इसलिए। और इसे चला, ये देखिए, इसे बिल्कुल ऐसे चलाते रहेंगे, पहले गैस बंद नहीं, उसके बाद गैस ऑन करेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छा मेरा मसाला बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल देसी घी बिल्कुल अलग आ चुका है। अभी ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने जो जिसमें पिटौर बनाए थे उसका जो पानी था, अब ये हम इसमें पानी डालते हैं ऐसे और इसे बॉयल आने। देखिए, जब तक मेरी ग्रेवी में बॉयल आता है तब तक अब हम ये पिटौर काट लेते हैं। ये आपको जैसे काटने हैं आप वैसे काट सकते हैं, डायमंड शेप, रेक्टेंगल या स्क्वायर, जैसे आपको काटते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये पिटौर, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। मैंने डायमंड शेप काटे हैं, आप इन्हें कैसे भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये सब्जी आप खाएंगे ना, पनीर की सब्जी से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ये देखिए, ये देखिए, मेरी ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और अब इसमें ये हम अपने पितौड़ डालेंगे ताकि ये भी अच्छे से ग्रेवी का मसाला लग रहे। ये देखिए, मैंने सारे पितौड़ इसमें डाल दिए हैं और एक अच्छे से बॉयल आने तक, और ये मेरा सब्जी मसाला है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसके बाद इसे अच्छे से कुक होने के लिए 2-3 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से मसाला सब में चला जाए। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी तैयार हुई है वेजिटेबल पिटौड़ की सब्जी। ये देखिए, बिल्कुल पनीर की सब्जी जैसी है। तो बस इसे हम पलट लेते हैं सर्व करने के लिए। देखिए, अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं थोड़ी सी टेस्ट के लिए। अब इसे देखिए, रास्ता
राजस्थान की प्रसिद्ध ट्रेडिशनल तरीके से ये मेरी पिटौर की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। तो आप भी इसे चपाती के साथ, नान के साथ या राइस के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।